माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह कर रहा हूँ कि वे अपने श्रीमुख से अपनी ओजस्वी वाणी में हमें आशीर्वाद. दीनदयाल शोध संस्थान के अध्यक्ष श्रीमान वीरेंद्रजीत सिंह जी, आदरणीय मदनदास जी, आदरणीय दत्तात्रेय जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और इस सभागृह में उपस्थित सभी वरिष्ठ महानुभाव, अपनों के बीच मैं अतिथि बन के आया हूं. कैसा लगता होगा आप अंदाज कर सकते हैं. मुझे अच्छा लगा कि जो ग्रंथ निकले हैं एक प्रकार से फोटो एल्बम नहीं बनाया गया है. इसके लिए मैं संपादक मंडली और प्रकाशक को बधाई देता हूं, नहीं तो काफी कुछ फैमिली एल्बम जैसा ही हो जाता है. तो ये अच्छा काम इससे मुझे लगता है. पढ़ तो पाया नहीं हूं लेकिन इस ग्रंथ के माध्यम से हम जितना नाना जी को जानेंगे उससे भी ज्यादा संघ परिवार की विचार यात्रा, उसका प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट, समय समय रहते रहते कौन सी बातें केंद्र बिंदु बनी, क्या बदलाव आए, इसका भी काफी मात्रा में इसको पढ़ते पढ़ते हम सहयात्रा कर सकते हैं. और उस अर्थ में भारत का इतना बड़ा वैचारिक आंदोलन जिसकी राष्ट्रभक्ति प्रेरणा है उसको समझने में भी ये कार्य उपयुक्त होगा. इसलिए भी मैं दीनदयाल शोध संस्थान और बाकी सब महानुभावों को बधाई देता हूं. दत्तात्रेय जी ने नाना जी के कई व्यक्तित्वों के भिन्न भिन्न पहलू हमारे सामने प्रस्तुत किए. संघ प्रचारक के नाते भी, आरंभिक काल में भी संघ की व्यवस्था से अतिरिक्त एकाध काम करना ये उनकी प्रकृति प्रवृत्ति रही थी. और उसी के कारण शिशु मंदिर की रचना हुई और जो आज पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा शैक्षणिक संगठन बन गया है पूरे हिंदुस्तान का, जिसकी नींव गोरखपुर में उन्होंने डाली थी जबकि उनकी आयु बहुत छोटी थी. सामान्य संघ परिवार की जो कार्यशैली है उसमें कुछ न कुछ अतिरिक्त करना ये नाना जी की विशेषता रही थी. हम कल्पना कर सकते हैं कि एक संगठक के रूप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बाद जनसंघ के संगठन के विस्तार के लिए वे देशभर में भ्रमण करते थे. भूमिका तो उनकी कोई राजनेता की नहीं थी और न ही कभी वो अखबार के पन्नों पर उनकी जिक्र होता था उस समय, लेकिन उसके बावजूद भी
पूरे संघ परिवार के बाहर का एक जो एलिट वर्ल्ड था, इंडस्ट्रियल वर्ल्ड था, उसमें नाना जी ने अपने व्यक्तित्व के आधार पर बहुत बड़ी पैठ बनाई थी, एक अपनी पहचान खड़ी की थी। और इन बड़े बड़े लोगों को भी वो किसी न किसी सामाजिक काम में जोड़ने का प्रयास करते थे। मैं तो राजनीति में कोई देर से आया, लेकिन पुराने जो जनसंघ के कार्यकर्ता थे उनसे जब कुछ बातें सुनता था तो एक मुझे घटना सुना रहे थे कि एक बार नाना जी रेलवे से नागपुर की तरफ जा रहे थे तो गुजरात में उस स्टेशन पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को मिलने के लिए बुलाया, चुनाव चल रहे थे और वो चुनाव प्रबंधन को लेकर के जा रहे थे। स्टेशन पर जो कैंडिडेट थे वो उनको मिलने जाते थे, कार्यकर्ता जाते थे, पूरे प्लेटफॉर्म को भारत माता की जय करके गजा देते थे और फिर नाना जी एक लिफाफा देते थे, किसी जगह पे 1500 रुपये देते थे, कहीं 2000 रुपये देते थे, कहीं 2500 रुपये देते थे। अब ट्रेन तो दो दिन भी खड़खड़ी रहती थी, फिर वो कहते थे जान की बाजी लगा दो। तो कार्यकर्ता कहते हैं कि क्या मिजाज था, 1500 रुपया देते थे चुनाव जीतने के लिए, ये हमारा बजट होता था और संदेश ही देते थे जान की बाजी लगा दो। बोले हमें भी उसमें प्रेरणा मिलती तो लगता था हाँ हाँ यही करने जैसा काम है और हम लग पड़ते थे। किसी व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं रहती है और किस प्रकार से उस काम को आगे बढ़ाते हैं। राजनीतिक जीवन में भी वो जयप्रकाश सिंह के साथ जिस प्रकार से जुड़ गए और जब पटना में जयप्रकाश जी पर हमला हो गया, अगर नाना जी न होते तो जयप्रकाश नारायण जी नहीं बचते। जिस प्रकार का उनके सर पे वार हुआ था, नाना जी ने पूरा वार अपने शरीर पे ले लिया, जयप्रकाश जी के जीवन के रक्षक के रूप में उन्होंने काम किया। और जयप्रकाश जी के प्रति उनकी श्रद्धा थी जो इस साहस को लिए उनको प्रेरणा देती थी, लेकिन इस घटना ने जयप्रकाश जी का उनके प्रति इतना प्रेम बढ़ा दिया था। जयप्रकाश जी हर बार नाना जी पे बहुत भरोसा करते थे। जब आपातकाल आया, लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़नी थी, लोकतंत्र पर इतना बड़ा भयंकर खतरा, और तब नाना जी भूगर्भ में थे, पूरे लड़ाई का ऑर्गेनाइज कर रहे थे, काफी समय वो गुजरात रहे थे। मेरा सबसे ज्यादा संपर्क उनके साथ काम करने का आपातकाल में आया। जॉर्ज फर्नांडिस, नानाजी देशमुख, रविंद्र वर्मा, यही बड़े बड़े वरिष्ठ लोग उन दिनों में गुजरात में रह करके करते थे, बाद में नाना जी पकड़े गए। लेकिन जेल में रहते भी संदेश वाहकों के माध्यम से सभी जेलों में जो नेता थे उनके उन्होंने संपर्क सूत्र एस्टाब्लिश किए, जेल के अंदर ही नेटवर्क खड़ा किया। और उस समय लगता था कि इंदिरा जी चुनाव देगी तो भी चुनाव जीता नहीं जा सकता, हम लोग जेल में पड़े हैं कैसे जीतेंगे, चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए, यह एक व्यापक मत था। उस समय नाना जी ने जेल में रहते रहते संदेश वाहकों की मदद से चिट्ठी चपाटी भेज भेज करके एक माहौल बनाया, यानी एक कुशल संगठक इतिहास के पन्नों को कैसे पलट सकता है, और एक विश्वास पैदा किया कि हमने अपने सारे राजनीतिक मतभेद छोड़ करके एक बार एक होना चाहिए। और उसी में से जनता पार्टी का जन्म हुआ, चुनाव लड़ने का फैसला हुआ, और वो अनुमान लगाने के जो प्रमुख लोग थे वो सही निकले, लोकतंत्र देश में पुनः प्रस्तावित हो गया।
इतना सारा करने के बाद जयप्रकाश जी के अति प्रिय होने के बावजूद भी मोरारजी भाई अपने निकटतम साथी के रूप में मंत्रिपरिषद में उनको स्थान दे रहे हो और उसी शिखरस्थ अवस्था के समय एक व्यक्ति फैसला कर ले कि मैं 60 साल के बाद राजनीति छोड़ना चाहता हूं और अपने आप को मैं ग्रामोदय के लिए समर्पित करना चाहता हूं और घोषणा नहीं उन्होंने करके दिखाया। स्वास्थ्य के संबंध में भी एक बार पूज्य रज्जू भैया जी से मैं बात कर रहा था क्योंकि संघ परिवार के सभी वरिष्ठ अधिकारियों का शरीर के साथ कुछ न कुछ तकलीफ रहती है, जीवन ही ऐसा रहता है, अनेक बीमारियों का घर हो जाता है, लेकिन एक तपस्वी की तरह वो अपना काम करते रहते हैं। तो रज्जू भाई जी भी बता रहे थे कि देखो भाई, हमारी पूरी टोली में सबसे सशक्त कोई व्यक्ति है, सस्त नहीं सशक्त, तो नाना जी देशमुख है। फिर वो उदाहरण देते थे, कहीं पर्वती पर जाना था तो सबसे पहले वो कैसे पहुंच जाते थे, ये सारी बात वो बताया करते थे। यानी इतना अच्छी तंदुरुस्ती होने के बावजूद भी 60 साल से 93 ईयर तक उस काम के लिए अंदर खपे रहे, जिनको मैंने समाज जीवन के अग्रिम पंक्ति के व्यक्तियों को ढूंढना जोड़ना इस काम करते देखा था, उनको बाद में मैंने किस इलाके में किस नस्ल की गाय, कैसी अच्छी गाय क्या है, कौन सी गाय ज्यादा दूध देती है, गाय की ब्रीडिंग की क्या व्यवस्था है, मिल्क का क्या होता है, मैं देख रहा था। तो वो इतने इन्वॉल्व होकर के एक एक चीज की बारीकाई के विषय में रुचि लेते थे, यानी ग्रामोदय के प्रति उनका जो पूर्ण समर्पण था कल्पनातीत था। उन्होंने ग्रामोदय के साथ संघ परिवार की कार्यशैली को भी जोड़ा, उन्होंने समाज शिल्पी की एक परंपरा खड़ी की, यंग कपल्स समाज के लिए निकल पड़े और ऐसे सैकड़ों कपल निकले, चाहे भीड़ हो, गोंडा हो, चित्रकूट हो और भी अनेक स्थान हो, जहां आज भी ऐसे समर्पित समाज शिल्पी ये कपल नाना जी ने जो राह दिखाई उस राह पर काम कर रहे हैं, अपने आप को खपा रहे हैं। यानी अपने रहते समय काम करना उतना ही नहीं, लेकिन अपने न रहने के बाद भी वो संस्था और विचार आगे बढ़े, इसकी परफेक्ट सोच नाना जी ने सात अर्थ में साकार करके दिखाई। वे संगठन कौशल्य में तो माहिर थे ही थे और जैसा दत्ता जी बता रहे थे बहुत ही परफेक्शनिस्ट थे, कपड़े वपड़ों के पूरे संघ परिवार के लोगों का रहन सहन और नाना जी के रहन सहन में बड़ा आसमान जमीन का अंतर रहता था और उस समय उनकी बड़ी चर्चा भी हुआ करती थी कि बाकी लोग तो ऐसे रहते ही ऐसे रहते हैं, काफी उनकी उनकी आलोचना भी होती थी, लेकिन उनका वो ढंग था, उसी ढंग से वो रहते थे और काम में भी उतना ही नीट एंड क्लीन काम करने की उनकी आदत थी। लेकिन उनका वैज्ञानिक टेम्पर भी था, हर सच बात को विचार को वैज्ञानिक ढंग से कैसे करना, वे एक बात कहा करते थे, साइंस इज यूनिवर्सल, टेक्नोलॉजी में सभी लोग, ये उनका बड़ा आग्रह रहता था। तो एक बार मैंने उनसे पूछा कि आप इसमें कोई क्या कर रहे, मुझे मत समझाइए। तो उन्होंने कहा कि हम ये कुएं में से पानी निकालने के लिए लोहे की पाइप क्यों डालते हैं। मैं कहा क्यों, बोले बंबू नहीं डाला जा सकता क्या, चलो बोले मैं दिखाता हूं, मुझे वो दिखाने के लिए ले गए। एक्चुअली उन्होंने बंबू का ही पूरा पाइपलाइन बना दिया था और उनका कहना था, और सत्य है, कि बंबू की बनाई हुई पाइपलाइन लॉन्ग लाइफ रहती है, उसको कोई जंग वंग नहीं लग जाती है और वो चलता। यानी व्यवस्थाएं स्थानीय हो, विज्ञान का सिद्धांत हो, इन दोनों को मेल करके कैसे करना। और इसलिए उनका बड़ा आग्रह था कि जिस क्षेत्र की जो संपदा है उस संपदा का ही सर्वाधिक उपयोग करके
आर्थिक सामाजिक विकास की रूपरेखा बनानी चाहिए। हमने फैब्रिकेटेड व्यवस्था भी नहीं होनी चाहिए, इम्पोज व्यवस्था भी नहीं होनी चाहिए। इन मूलभूत बातों को लेकर के नारायण जी काम करते रहे। इतनी चेतना तीव्र थी, यानी आपने कभी आखिरी दिनों में भी उन्होंने जो चिट्ठियां लिखी, उन चिट्ठियों में उनके विचारों की शार्पनेस ऐसी झलकती है, पता चलता है कि वो कितना, वरना 93 एज हो, कुछ तो थोड़ा बहुत इधर उधर होना संभव हो जाता है, लेकिन कतई वो स्थिति उनके आने नहीं दी। इतनी जागृत अवस्था में उन्होंने इस काम को किया, एक संगठक के रूप में, राजनेता के रूप में, एक रचनात्मक कार्य के समर्पित सेवक के रूप में, अनेक रूप में नाना जी ने हम सब के लिए बड़ा प्रेरक काम किया। मेरा सौभाग्य है कि उनके पुण्य स्मरण के समय मुझे भी आज आप सबके बीच आने का अवसर मिला। ये ग्रंथ नई पीढ़ी को रचनात्मक कार्य क्या होता है, भारत उत्थान की दिशा क्या हो सकती है, हमारे विचारकों ने चिंतकों ने कितना सुस्पष्ट मार्गदर्शन हमें दिया हुआ है, उसको अगर हम जीवन में व्यवहार में लाने में अगर सफल हो तो हम कितने आगे बढ़ सकते हैं, इसका पूरा ब्यौरा इन ग्रंथों से वर्तमान पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ी को मिलेगा। मैं फिर एक बार दीनदयाल शोध संस्थान के सभी महानुभावों को अंतःकरणपूर्वक अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी।